बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिफ्थ क्लास के सब्जेक्ट माशियत उलूम का लेक्चर नंबर 16 डिलीवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि लेक्चर नंबर 16 में आज हम क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 में हम बाब नंबर 4 तारीख के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमने थ्योरी में से लिए हैं और आपकी बुक पे जो अहम मालूमात दी गई है वहाँ से लिए हैं। तो आइए देखते हैं बाब नंबर 4 तारीख के शॉर्ट क्वेश्चंस। सवाल है हमारे पास, शमसी या ईसवी साल किसे कहते हैं? जवाब है, एक साल में 12 माह होते हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, इसे शमसी साल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरी या इस्लामी साल किसे कहते हैं? जवाब है, चांद ज़मीन के गिर्द एक माह में एक चक्कर पूरा करता है, इन महीनों को कमरी या इस्लामी महीने कहते हैं। एक कमरी साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमसी साल को क्या कहते हैं? जवाब है, शमसी साल को ईसवी साल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरी साल को क्या कहते हैं? जवाब है, कमरी साल को इस्लामी साल भी कहते हैं। बाब नंबर 4 तारीख के नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, किसने अलीगढ़ स्कूल की बुनियाद रखी? जवाब है, सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO हाई स्कूल अलीगढ़ की बुनियाद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकसीम बंगाल कब हुई? जवाब है, 1905 में अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी मजबूरियों की वजह से बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी तकसीम बंगाल 1905 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाब नंबर 4 तारीख का, कायदे आज़म ने अपने 14 नकात कब पेश किए? जवाब है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने मशहूर 14 नकात पेश किए। सवाल है, अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद कब पेश किया? जवाब है, 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलाहाबाद के मकाम पर अपने खुतबे में मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का तसव्वुर पेश किया, यानी अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद 1930 में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब नंबर 4 तारीख का, 3 जून 1947 का मनसूबा किसे कहते हैं? जवाब है, हिंदुस्तान की तकसीम के फार्मूले को 3 जून का मनसूबा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट्स, सियाहत दरियाफ्त का ज़माना किसे कहते हैं? जवाब है, 11वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी के दरमियानी ज़माने में इंसान मौजूदा दुनिया के बेशतर हिस्सों से वाकिफ हो गया था, इस वजह से इस ज़माने को आम तौर पर सियाहत व दरियाफ्त का ज़माना कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लेक्चर नंबर 16 की आपको समझ आ गई होगी कि हमने लेक्चर नंबर 16 में चैप्टर नंबर 4 तारीख के शॉर्ट क्वेश्चन जो अहम मालूमात में दिए गए थे वो आपको करवाए हैं। इंशाल्लाह आप लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ के याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।